हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है NDS यानी न्यू डिजाइन स्टेशन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पांच ऑसम कलर कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले ये सवाल कि क्यों ये टॉपिक चुना गया। अक्सर मैंने देखा है कि नए ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर जब भी कलर का चुनाव करते हैं तो उनको काफी कंफ्यूजन होता है कि बैकग्राउंड कैसा लें, बैकग्राउंड के ऊपर फॉन्ट का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए और कुछ सालों में मैंने जो सीखा है उस एक्सपीरियंस से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद आएगा। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो सोच क्या रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें आप बैकग्राउंड के रूप में #244D57 ले सकते हैं। अब हम लोग डिजाइन लाइन से हैं तो कोड में ही बात करेंगे ना। और इस पे फॉन्ट के रूप में आप #FDB78F ले सकते हैं। चलिए सैंपल के रूप में देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। अब दूसरा कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें आप बैकग्राउंड के रूप में #68661 ले सकते हैं और इस पे फॉन्ट के रूप में आप #E6CD93 ले सकते हैं। चलिए सैंपल के रूप में इसे भी देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। अब तीसरा कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें आप बैकग्राउंड के रूप में #237847 ले सकते हैं और इस पे फॉन्ट के रूप में आप #DFD988 ले सकते हैं। चलिए इसका भी सैंपल चेक करके देख लेते हैं कि ये कितना सुंदर लगता है। अब चौथा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड के रूप में #5C37CE ले सकते हैं और इस पे फॉन्ट के रूप में #BDEADF ले सकते हैं। चलिए सैंपल के रूप में इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लगता है। नाउ अब लास्ट आते हैं पांचवा कलर कॉम्बिनेशन जिसमें आप बैकग्राउंड के रूप में #313539 ले सकते हैं और इस पे फॉन्ट के रूप में आप #D7C35A ले सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये रहे पांच बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन जिसका आप उपयोग करके बेस्ट डिजाइन बेस्ट बना सकते हैं। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आप कमेंट में आ जाइएगा तो वहां बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।